हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त परमिंदर और मेरे चैनल लर्निंग्स ऑफ माय लाइफ पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शर्ट की लाइनिंग काटना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए ये पहले शर्ट काट के रख लिया है, जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है। शर्ट के लिए हमें आमतौर पर 2.25 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक लाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइनिंग आप हमेशा अच्छे कपड़े में खरीदें, और जब हम सलवार के लिए लाइनिंग लेते हैं तो उसके लिए हमेशा हमें ज़्यादा 0.5 मीटर से लेकर 1 मीटर ज़्यादा लाइनिंग लेनी पड़ती है। पर शर्ट के लिए हमें जैसे 2.5 मीटर कपड़ा है तो हम 2.5 मीटर ही लाइनिंग लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था और इसे अच्छी तरह सुखा लिया। मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, क्योंकि प्रेस करने से क्या होता है, सूट को वॉश करते हैं तो लाइनिंग फिर से सिकुड़ जाती है और शर्ट की लुक इससे फिर बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए, ये डबल फोल्ड करके मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। इसको सुखाते समय बिल्कुल इसको सीधा सीधा डालना पड़ता है, जहाँ पर भी आप सुखाएं। सबसे पहले हम पीछे वाला शर्ट का पीस लाइनिंग पर बिछा लेंगे और इसे काटेंगे। हमेशा जो लाइनिंग है इससे थोड़ी सी कम काटते हैं, लेकिन मैंने इस शर्ट के पीछे वाले हिस्से में बॉर्डर अटैच करना है तो ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लाइनिंग से काट रही हूँ। आप इसके ऊपर अच्छी तरह पहले शर्ट के पीस को अच्छी तरह से बिछा लें। ये पीछे वाला गला मैंने 5 इंच चौड़ाई में काटा है, तो ये देख लीजिए, आप पहले नाप लें कि यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसकी फिर हम कटिंग शुरू करेंगे। हम बिल्कुल शर्ट के साथ साथ लाइनिंग को काट लेंगे। हम जो पीछे वाले गले की कटिंग है वो भी कर लेंगे लाइनिंग पर, और उसके बाद ये एक लाइनिंग का पीस शर्ट के पीस के साथ ऐसे अटैच करके ऊपर को उठाएंगे और जो हमारे निशान लगे हुए हैं उसी पर हम लाइनिंग पर भी निशान लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके साइड में रखेंगे। अब हम जो फ्रंट पीस है हमारे शर्ट का उसको रख के काटेंगे लाइनिंग को। आप हमेशा ध्यान रखें कि पहले शर्ट का बैक वाला हिस्सा ही हमेशा लाइनिंग पर रखकर हमें काटना है, क्योंकि ये देखिए जो आगे वाले हिस्से में हमने कटिंग की होती है। तो अब हम यहाँ से भी कटिंग के साथ साथ इसको काट लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाइनिंग है। इस पर भी हम सेम उसी तरीके से निशान लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमारे जो नेक बने आते हैं ये कढ़ाई वाले, अगर आपको इसको बनाना सीखना है तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसको भी हम अब फोल्ड कर देते हैं। अब हम बाजू के लिए लाइनिंग काटेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने बाजू की कटिंग करके रखी हुई है, जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जोड़ लगा कर कैसे इसको काटना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रखेंगे पहले लाइनिंग के ऊपर, और जितनी हमने लंबी इसको काटा है उतना ही उसके बराबर ही लाइनिंग काट लेंगे। इस लाइनिंग में भी हमें थोड़ा सा जोड़ डालना पड़ेगा, जैसे ये बाजू में डाला है हमने, तो इधर से हम यहाँ से ये जोड़ के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। बाजू में जोड़ डालते हुए हमेशा इस पर पहले आप हमेशा निशान लगा लें, तो इससे बाजू का जोड़ डालने में आसानी होती है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ डालकर इसकी कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसमें भी जोड़ डालकर इसके ऊपर रख के हम सेम वैसे ही जैसे हमने शर्ट काटा है बाजू कटिंग कर लेंगे। और इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो लाइनिंग का जोड़ है वो भी पीछे वाली साइड में ही आना चाहिए। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे।
Thanks for watching and subscribe my channel and press the bell icon for more and more videos. Thank you.